सवाल नंबर एक, दुनिया का पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला था? आपके ऑप्शन है ये, ए यहूदियों ने, बी फारसियों ने, सी ईसाइयों ने, डी मुसलमानों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, दुनिया का पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला था। सवाल नंबर दो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में कितना कुरान मजीद पढ़ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 5 पारे, बी 10 पारे, सी आधा कुरान, डी पूरा कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ लेते थे। सवाल नंबर तीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी अहदीस मरवी हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 52, बी 108, सी 142, डी 306। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से 142 अहदीस मरवी हैं। सवाल नंबर चार, किस चीज से खाना शुरू करना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये, ए नमकीन चीज से, बी मीठी चीज से, सी खट्टी चीज से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, नमकीन चीज से खाना शुरू करना सुन्नत है। सवाल नंबर पाँच, सहर नाम के जिन्नात ने कौन से नबी की अंगूठी चुराई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सहर नाम के जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल नंबर छः, जहन्नुम में जहन्नुमी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये, ए 20,000 बार, बी 50,000 बार, सी 70,000 बार, डी 80,000 बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जहन्नुम में जहन्नुमी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल नंबर सात, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए ईसाई, बी यहूदी, सी सिख, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, यहूदी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। सवाल नंबर आठ, कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया इकराम के नाम पर हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में 6 सूरतें अंबिया इकराम के नाम पर हैं। सवाल नंबर 9, किस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी जॉर्डन, डी फलिस्तीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फलिस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 10, कौन सी सूरह मुबारक में बिस्मिल्लाह 2 मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए
सूरह माईदा, बी सूरह रहमान, सी सूरह नमल, डी सूरह यासीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सूरह नमल में बिस्मिल्लाह दो मर्तबा आया है। सवाल नंबर 11। किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद कुर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। मस्जिद कुर्तबा के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल नंबर 12। कौन से नबी के ज़माने में शराब इजाद हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब इजाद हुई थी। सवाल नंबर 13। कौन से नबी को 7 लाख ज़बानों का इल्म था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल नंबर 14। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 3, बी 4, सी 7, डी 10। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे। सवाल नंबर 15। कौन से नबी ने एक रात में 100 बीवियों से जिमा किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में अपनी 100 बीवियों से जिमा किया था। जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो कौन सी बीमारी आती? आपके ऑप्शन हैं, ए रात का बुखार, बी गर्दन का दर्द, सी बालों का गिरना, डी रंग काला होना। सही जवाब है ईमान की बीमारी, यानी ईमान का कमज़ोर होना और इंसान का दीन से दूर हो जाना। जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है तो उसे दीन से दूर कर देता है, और जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसे दीन के करीब कर देता है। लिहाजा अगर कोई इंसान दीन से दूर है तो उसे सोचना चाहिए और फौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए।